ये दुनिया सिद्धांतों पे चलती है। आज हम हजारों मील दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चंद पलों में मिल सकती है, किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से करवा सकते हैं। जमीन पर रहकर ही हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर ग्रह तारे के बारे में जान सकते हैं। ये सब विज्ञान और वैज्ञानिकों के सिद्धांतों की वजह से मुमकिन हो पाता है। कई वैज्ञानिकों ने ऐसे खोज की जिससे पूरी दुनिया ही बदल गई। आज हम आइंस्टाइन इस वैज्ञानिक ने रचा हुआ दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे हिंदी में सापेक्षता सिद्धांत कहा जाता है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इस दुनिया में दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पाए जाते हैं, पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु या बॉडी एक इंच स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में यह गति कांस्टेंट है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समाप्त किया जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं हो पाता है, जैसे रास्ते से जा रही कोई भी कार की गति कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समाप्त किया जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। अब जानते हैं कि मोशन और टाइम अब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव कैसे है उसके बारे में। मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रास्ते से जा रहे हैं, आपके साथ ही दो दोस्त आपके कार में बैठे हुए हैं, तो आप तीन लोगों के हिसाब से एक दूसरे के लिए आपकी गति जीरो है। पर वही मान लीजिए कि रास्ते के बाजू में एक इंसान खड़ा है, उसके हिसाब से आपकी गति 60 किलोमीटर पर हावर की है। अब मान लीजिए आपके सामने से एक कार आपकी तरफ आ रही है और उसकी गति भी 60 किलोमीटर पर हावर ही है, पर क्योंकि आपकी कार की गति भी 60 किलोमीटर पर हावर ही है तो कार में बैठे आपको ऐसा लगता है कि सामने से आती कार आपकी तरफ 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रही है। तो इससे ये बात पता चलती है मोशन यानी कि गति रिलेटिव होती है। अब जानते हैं कि समय किससे रिलेटिव है। 1800 शताब्दी के अंत तक माइकल मोरले के एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया था कि प्रकाश की गति तय है, ये किसी भी हालत में बदलती नहीं है, और यह तय था कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश ही सबसे तेज ट्रेवल करता है, कोई भी वस्तु या बॉडी प्रकाश की गति से तेज हो ही नहीं सकती। मान लेते हैं कि एक यान ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज चल रहा है, उसी समय यान के आगे लाइट लगी हुई है, तो इस हालत में इस यान की गति और लाइट की गति को मिलाकर हिसाब लगा ले तो ये गति प्रकाश की गति से दो गुना हो जाएगी, तो ये इक्वेशन टूटे ना, इसलिए उस यान में बैठे लोगों के लिए समय धीमा बहने लगेगा, यानी उस यान का एक साल पृथ्वी के हजारों सालों के बराबर हो सकता है। इससे ये साबित किया गया कि समय अब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। आइंस्टाइन ने अपनी दी हुई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव रखी और ये जानना चाहते थे कि ग्रेविटी का समय पे क्या असर होता है। न्यूटन ने कहा था कि कोई चीज़ जमीन की तरफ आती है तो ग्रेविटी की वजह से होता है, इसी वजह से न्यूटन का ये मानना था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर ग्रेविटी की वजह से ही लगाती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल बॉडी दूसरे ग्रेविटेशनल बॉडी पे असर करती है तथा उसे अपनी ओर खींचती है। पर आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर ग्रेविटी की वजह से नहीं लगाती, बल्कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व यानी बीम की वजह से लगाती है, और इसी वजह से ये बाकी ग्रह भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी समय पर असर डालती है, मतलब जिस भी वस्तु की ग्रेविटी होगी उसके लिए समय धीमा चलेगा और स्पेस में समय फास्ट चलेगा, और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत आइंस्टाइन ने E=mc² इक्वेशन दिया, जिसमें E यानी एनर्जी, m यानी मास और c यानी वेलोसिटी दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर देना।